रतलाम जिला प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ दिवाली बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत से जाफ्ता में शासकीय स्कूल की जमीन पर किए गए बने दो मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान तहसीलदार और पटवारी के अलावा पुलिस अमला मौजूद था। दिवाली के बाद प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमणकर्ताओं और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत से जाफ्ता में शासकीय स्कूल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से पूर्व नोटिस देकर कागज मांगे गए थे, लेकिन मकान मालिक कागज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ग्राम सेजावता का मसला है, यहाँ पर शासकीय जमीन है जो कि स्कूल की थी, उस पर सोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था। दो मंजिला मकान बनाया था, इसके सीमांकन कराया गया और पूरा चिन्हांकित किया गया कि कितना क्या पोर्शन इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। लगभग पूरा मकान ही इनका अतिक्रमण में आया हुआ है, तो इनको नोटिस दिया गया और विधिवत सुनवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में अभी तक कुछ नहीं आया है। बेसिकली इन्होंने कोर्ट में भी स्टे लगाया था और इन्होंने वहाँ पर भी कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करे हैं, कोर्ट से भी खारिज हो चुका है। इन्होंने आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं करा कि इनके पास रजिस्ट्री है। अगर ऐसी कोई चीज़ें संज्ञान में आएगी तो बिल्कुल विधिवत उसकी जांच होगी, तथ्यात्मक जितनी बातें उनकी जांच की जाएगी। चावड़ा से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।